सन न्यू टीवी लेकर आ रहा है एक नया शो जिसका नाम है साझा सिंदूर। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं शो के लॉन्च इवेंट की कुछ खास झलकियां। तुम्हें जरूर मिलेगा, चिंता मत करो बेटी, अगली बार तुम संतान के साथ ही आओगी। चिंता नहीं है पंडित जी, संतान नहीं आई तो बहू नहीं आ जाएगी। बहू कौन बनाएगा मने बहू? जिसका औरों के ब्याह में प्रवेश मनाओ उसे गृह प्रवेश कौन कराएगा? जब भूली के हिस्से होगा साझा सिंदूर। साझा सिंदूर रविवार सुबह। थैंक यू फॉर कमिंग एंड मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ सन नेटवर्क को एंड आर प्रोड्यूसर्स नंदिता मैम एंड पैरवी मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। शो के बारे में तो आपने देखा, बहुत ही खूबसूरत प्रोमो है और जो कास्ट है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं और अभी तक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और टॉकिंग अबाउट गगन जो मेरा कैरेक्टर है, बहुत ही जैसे बोलते हैं एक आइडियल हस्बैंड, आइडियल सन, उसके सामने अगर कुछ गलत हो रहा होता है ही टेक्स अ स्टैंड। अगर उसके फादर गलत हैं तब भी वो अपना स्टैंड लेता है और बहुत ही लॉयल है अपनी वाइफ के लिए। एंड सो या आई मीन काफ़ी इंटरेस्टिंग शो है। शो के बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकता बट अभी तक जो जर्नी रही है शो की अभी शुरुआत है एंड काफ़ी अच्छी रही है और एक नए चैनल के साथ हम जुड़े हैं तो इट्स ऑलवेज गुड। जब एक नया चैनल आता है, नए शोज आते हैं तो उन शोज़ की एक रिकॉल वैल्यू होती है। जब भी उस चैनल के बारे में बाद में बात की जाती है तो हमेशा जो शोज़ लॉन्च होते हैं उनके बारे में भी बात होती है, उन चेहरों के बारे में बात होती है। तो इट्स अ प्लेजर कि हम सन नेटवर्क के फेसेस हैं और लुकिंग फॉरवर्ड टू द जर्नी। होपफुली हमारा शो सारी ऑडियंस को पसंद आए। सो या थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर एंड बाकी तो इन्होंने शो के बारे में बताया है। सो आई एम पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर ऑफ धरा जो कि गगन की वाइफ है और इस परिवार की बहू है। तो एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। सबसे पहले तो मैं सन न्यू को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उसमें हमारा जो शो साझा सिंदूर आ रहा है। हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यारा, इतना अच्छा मौका दिया हमें। भैरवी मैम और नंदिता मैम की तरफ से भी पूरी टीम को, सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं इस परिवार की मुखिया हूँ, मेरा किरदार है माँ हुकुम और माँ हुकुम का नाम ही मतलब ऐसा है कि घर में सब पर हक जताना, सबको अपना हुकुम बजाने के लिए कहना और अपनी ही सोच सबके माथे मढ़ना। मेरे बाजू में एक खड़ी है जो बहुत दुखी है मुझसे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तकरार हमारे दोनों के बीच में होती है। और ज़्यादा कुछ ना कहूँगी, आप लोग आगे देखिए साझा सिंदूर। बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सब कह रहे हैं और आप लोगों का वेलकम यहाँ सेट पर और थैंक यू सो मच आए हैं। मौसम बहुत अच्छा है बाहर भी और अंदर भी आप लोगों के साथ। नंदिता की तरफ से, भैरवी की तरफ से भी आप लोगों का स्वागत है और उनको शुक्रिया करना चाहूँगी। सन नियो को डेफिनेटली थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हम पर इतना विश्वास रखा है। वो एक नया शो, नया चैनल लॉन्च कर रहे हैं, उसमें जो शोज लॉन्च कर रहे हैं उसमें हमें लेने का सोचा, इन किरदारों में उन्होंने हमें देखा और उनको विश्वास है कि हम पूरी तरह खरा उतर पाएंगे। तो ये जिम्मेदारी भी है और खुशी भी है, कुछ नया करने की खुशी है और देखते हैं कि
रिस्पॉन्स कैसा है. नए हार्डवर्किंग लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं सेट पर. मतलब ये तो इतने मंझे हुए हैं, लगता ही नहीं है कि नए लोग हैं. बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इन सब के साथ काम करके. नीलू जी इतनी एक्सपीरियंस्ड है और इनका और मेरा जो कैमराडरी है या जो एक कनेक्शन है शो में वो बड़ा ही कमाल का है. मेरा किरदार है साझा सिंदूर में. फर्स्टली साझा सिंदूर ये टाइटल मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है. मुझे लगता है इट सेज अ लॉट. तो मेरा किरदार है सरोज. मैं एक एंटागनिस्ट प्ले कर रही हूँ तो नर्वसनेस है एंटागनिस्ट, लेकिन मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा लेयर्स है इस कैरेक्टर में, इतना कॉम्प्लेक्स है ये कैरेक्टर, तो मुझे प्ले करने में बहुत मज़ा आ रहा है. नर्वसनेस है, डर है, एक्साइटमेंट है, सब कुछ है. आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक अ न्यू कमर ऑन अ न्यू चैनल. तो आप लोग हमें भी प्लीज़ विश अस ऑल द लक, पूरी टीम को, चैनल को, और हमारा चैनल ज़रूर देखिएगा. बहुत प्यार से शो बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं. प्लीज़ वॉच अस एंड गिव अस ऑल द लक. थैंक यू. थैंक यू सो मच. हम्बल बिहेव कर रही है मैम, बिकॉज इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस ये रखते हैं. देश में निकला हुआ चांद मैं देखता था, मैं पला बड़ा हूँ ऐसे सीरियल्स देख करके. और मैम इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद इतने क्रेडिट्स दे रही हैं सभी लोगों टीम को. मैं जानता हूँ कि ये अपने आप में ही एक छुपा हुआ हीरा है. That's what I was gonna comment, brother, कि she hasn't aged a single day. एक दिन ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या बात है, इस बात में भी व्यंग्य छुपा हुआ है. और इसी तरह आगे बढ़ते हैं. मैं बोलना चाहूँगा हमारे मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं यहाँ पर वन ऑन वन. कैरेक्टर जैसे मैंने बोला काफ़ी पॉजिटिव है. मैंने ग्रे शेड भी पहले किए हैं, बट यहाँ जब एक पॉजिटिव कैरेक्टर कर रहे होते हो तो चैलेंज होता है, बिकॉज आप ज़्यादा कुछ इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते. बट हाँ, काफ़ी अच्छा बनना है. लॉयल है, आइडियल सन है, उसकी दो माँ हैं, दोनों को इज्जत देता है और सही के साथ हमेशा खड़ा होता है. और इवन जब जो उसके कलीग्स हैं, जो उसके लिए जो उसके वर्कर्स हैं, उनको पूरी इज्जत देता है. कई बार होता है ना, जो आपसे नीचे आप उनसे बदतमीजी करते हैं, रियल लाइफ में बहुत लोग करते हैं, विच आई डोंट लाइक पर्सनली. तो वो कैरेक्टर दिखाया कि जो उसके वर्कर्स हैं उनको भी वो इक्वल इज्जत देता है. तो बहुत ही बढ़िया बंदा है, काफ़ी कुछ सीखने को मेरे को भी मिलेगा जब आप ऐसा कैरेक्टर कर रहे हो. तो डेली आप उसकी अच्छी चीज़ें देखते हो तो कुछ ना कुछ तो शायद आप सीख ही लेते हो. तो आई एम श्योर ऑडियंस भी शायद उस कैरेक्टर से कुछ सीखे. कुर्तिका जी, सबसे पहले चैनल बहुत अच्छा नाम है सन न्यू, नाम के साथ ही लग नया रोशनी, नया सवेरा. आपने बहुत सारे काम किए नया सवेरा, मतलब नया शो में किस तरह किरदार है और कितना चैलेंज आपके लिए? चैलेंजिंग तो ये बिल्कुल रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, बट जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो इतने लेयर्स आएंगे इनकी ज़िंदगी में कि वो उसमें से भी सीखती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी. तो दिस इज़ नॉट ओनली जस्ट अ पॉजिटिव, बट कहीं ना कहीं आगे चल के वो शायद ग्रे शेड भी हो सकती है. और जैसे आप जानते हैं, इससे पहले मैंने नेगेटिव भी किया है. इसके पहले जो मेरा शो था एज ए लीड, दैट इज़ अ पॉजिटिव. तो अब वापस से अगर कहीं नेगेटिव में हम उतरेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंजिंग होगा. So I'm looking forward to it, and thanks to Sun Neo and this production 24 Frames, Nandita ma'am or Bhairavi ji, they wanted me to do this, and really thankful to them ki itna challenging role aur itna pyara kirdaar hai ye Dhara, wo unhone mujhe diya hai. Kyunki Dhara sirf ek patni hi nahi hai, wo आदर्श पत्नी तो है, उसके साथ साथ उसका हमेशा यही एक बोल रहा है कि वो अपने परिवार को भी उतना सुखी रखे, उतनी ही खुशहाली से सबके साथ रहे. तो उसका गोल है बेसिकली कहीं ना कहीं एक आदर्श बहू बनने का. इस तरह मैं एक सीन देखा, मैंने काफ़ी अच्छा सीन था, शायद जो छलांग मार देते हैं पानी में, सूट कहाँ हुआ, काफ़ी बेहतरीन तरह से सूट हुआ है, बताना चाहेंगे कैसे के बारे में? जी बिल्कुल, वो फूली ने किया था. फूली इज बेसिकली स्तुति गोयल, हमारे शो की लीड है वो हमारे साथ. बट सिंस शी वाज शूटिंग राइट नाउ तो नहीं पहुंच पाई है, बट यू शैल बी सीइंग हर सून. यस नीलू जी. हाँ जी, बोलिए. मैं माँ बहन का किरदार निभा रही हूँ, घर की मुखिया हूँ. तो मुखिया का काम तो एक ही होता है कि वंश को आगे बढ़ाना, और कहीं कुछ रास्ते में रुकावट आ जाती है फिर माँ हुकुम खड़ी हो जाती है और रास्ते निकाल देती है. वैसे मैं सन नियो को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और साथ ही में हमारी टीम को, और नंदिता मैम,
भैरवी मैम, 24 फ्रेम्स की पूरी टीम को कि एक बहुत ही बेहतरीन शो साझा सिंदूर आप लोगों के बीच हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों से भी उतना ही प्यार इस शो को और उतना ही प्यार सारे किरदार को मिलेगा। नीलोदा यूजली आपके किरदार बहुत ही कलरफुल और वाइब्रेंट अब तक के शोज में देखे, बट यहाँ पे थोड़ा अलग देखे, एकदम लाइट कलर्स यूज किए गए, पेस्टल कलर्स यूज किए, बहुत ही ऑप्शन। हाँ, मैंने सोचा कि अभी इस कलर शेड्स की साड़ियाँ ज़्यादा मार्केट में आए तो इसीलिए मैंने ये चॉइस की है। संगीता मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि टाइटल ही बहुत कुछ कहता है और आपको टाइटल बहुत ज्यादा पसंद आया, तो कोई एक चीज आप बताओगे क्या वो चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है? मैं बताती हूँ, ये जो कहानी है फूली गगन धरा की तो है ही, लेकिन साथ में ये कहानी माहूकू की भी है, सरोज की भी है और सरस की है, जो पहली बीवी है जसवंत ठाकुर की, जिसकी सरोज भी पत्नी है। दोनों जनरेशन में ऐसा होता है कि जो सिंदूर है साझा होता है, तो इनके जो पिता है उनकी भी दो शादी हुई है और कहानी इनकी उस तरफ अभी बढ़ रही है, तो ही इज ऑलरेडी मैरिड, तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखना है। तो साझा सिंदूर ऐसे वेर यू आर शेयरिंग योर लाइफ पार्टनर, यू आर शेयरिंग योर किस्मत, यू आर शेयरिंग योर, आप अपनी डे टू डे जिंदगी शेयर कर रहे हो, आप फैमिली शेयर कर रहे हो, सब कुछ शेयर कर रहे हो। तो साझा सिंदूर ये है कि सिर्फ इनकी जनरेशन में नहीं, हमारी जनरेशन में ये वहाँ से शुरुआत हुई है जहाँ से हमारी जनरेशन में ऑलरेडी सिंदूर हम साझा कर रहे हैं, तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन द शो। लेकिन इस जनरेशन की सोच अलग है, जो यंगर जनरेशन है उसकी सोच अलग है इस बात को लेकर, और जो एक जनरेशन एक पीढ़ी पीछे है उनकी सोच अलग है, वो कॉम्प्रोमाइज़ को सही मानते हैं, वो उनके लिए के नहीं जो ऑर्थोडॉक्स है या जो हम सुनते आए हैं पहले से वही सही है, लेकिन ये जो आज की जनरेशन है वो चीज़ों को समझना चाहती है, वो सही और गलत में फर्क करती है, वो चीज़ों को समझती है, आज की जनरेशन अपनी खुशी को पहले रखती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो पिछले जनरेशन को कभी सिखाया नहीं गया है, हमेशा से सिखाया गया है अपने पहले अपने परिवार का सोचो, खासकर औरतों को आखिर में अपना सोचो, इवन फॉर मैन आई थिंक यू नो कि आप अपने पहले अपने फादर का सोचो, ग्रैंड फादर का नाम आपको आगे लेके जाना है, फादर का नाम आगे लेके जाना है, और फिर बच्चा ऐसा पैदा करो कि आपका जो खानदान है वो और आगे बढ़े, तो देर इज ऑलवेज प्रेशर, और ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की बात नहीं है, मेरे ख्याल से बाहर भी कई जगह पर है। टू कम टू योर क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टाइटल, जो चीज़ें होती हैं होती आई हैं पहले भी और लोग बात नहीं करते थे, लेकिन आज बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बोलो, बिकॉज पीपल आर मोर वोकल, हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हम सिर्फ हम सीख नहीं दे रहे हैं किसी को कुछ, इट इज़ प्योरली एंटरटेनमेंट। कहानी बहुत गाढ़ी है, मैं ये बोलूँगी, हर किसी की कहानी है इसमें, हर किसी की एक बैक स्टोरी है और बहुत तगड़ी बैक स्टोरी है और सब एक दूसरे से उलझे हुए हैं, सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फन। मैम यू नो स्टोरी स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट हम अगर कमेंट बॉक्स देखते हैं तो ऑडियंस का यही कमेंट्स होते हैं कि स्टार्ट में आपकी जितनी अच्छी स्टोरी होती है एंड ऑफ द डे वही सास बहू पर जाकर अटक जाती है, सो इसके बारे में आपको क्या करेगा? हर घर में सास और बहू होती है, हर घर में माता पिता होते हैं, हर घर में बच्चे होते हैं, तो लव स्टोरी भी हमारे शो में लव स्टोरी भी है, सास भी है, बहू है भी, सास और बहू कहाँ जाए भाई अगर से गैंगस्टर भी, तो फिर तो कहानी जो इंडियन रूट्स है, जो इंडियन हमारे कल्चर है और जो कहानियाँ होती है वो बहुत फैमिली बेस्ड होती है, एंड वी आर मेकिंग शोज फॉर द फैमिली, हम चाहते हैं कि फैमिली साथ बैठ कर देखे। ये जो साझा सिंदूर है, ये जो चैनल है, इसका देयर एम इज़ कि फैमिली साथ आए, साथ बैठे और उन्हें कुछ ऐसा दिखने ना मिले जो झिझक हो किसी परिवार के किसी भी वर्ग को या किसी भी एज के लोगों को, झिझक को देखने में कि अरे ये हमने क्या देख लिया, तो वो है, इट्स एंटरटेनमेंट, वी आर नॉट ट्राइंग टू टीच एनीवन एनीथिंग। हाँ, पर सही और गलत का फर्क शो में हम भी बताते हैं और लोग बहुत ही ज़्यादा समझ जा रहे हैं, जो समझते हैं, जहाँ तक कॉमेंट सेक्शन की बात है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। गाइस आप चारों से पूछना चाहेंगे कि औलाद की कमी होने पर दूसरी शादी करा देना, ये कंसेप्ट टेलीविजन पर पहले भी दो से तीन बार रिपीट किया जा चुका है,
और ये वापस एक नए चोले में आ रहा है। सो आर यू गाइज बीइंग एन एक्टर प्रिपेयर हो कि हम अपने किरदारों से कन्विंस कर लेंगे कि पहले वालों से ज़्यादा बेटर हम कुछ दे रहे हैं आप लोग? देखिए क्या है कि हम कन्विंस करना तो बहुत बड़ी बात है, बट हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे ढंग से नई तरीके से पेश करें ताकि लोगों को समझ आए और लोगों के दिल को बुरा भी ना लगे और उनके दिल को हर्ट भी ना कर सके। जस्ट अ हैंड्स अप, स्मॉल हैंड्स अप एवरीबॉडी, वी विल जस्ट टेक वन लास्ट क्वेश्चन विद ऑल द एक्टर्स, राइट? एनी क्वेश्चन? वन लास्ट क्वेश्चन, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। टेलीविजन कितना बदला है जब आपने शुरुआत की और अब के टेलीविजन में, जब आप तो डिजिटल है काफी है, जब आपने शुरुआत की थी तो डिजिटल कुछ? मैं कितनी बदली हूँ, अभी अभी इन्होंने कहा कि बचपन से आपको देख लिया है। नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ, टेलीविजन हर किसी का अपना परसेप्शन है, जो आज लोग आ रहे हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी, हाँ आई हैव सीन अ लॉट, मतलब मैं 30 साल से ज़्यादा मैं टेलीविजन कर चुकी हूँ। मैं चाइल्ड एक्टर थी जब मैंने काम करना शुरू किया और मैं बहुत लकी रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छे मेकर्स के साथ काम किया है। अभी लोग बहुत हैं, भीड़ बहुत हो गई है। ऑनेस्ट स्पीकिंग आई मतलब एकदम ट्रूथफुली एंड ऑनेस्टली आई एम आंसरिंग, पहले एक फैमिली जैसे काम करते थे, बहुत क्लोज्ड यूनिट होती थी और 20 लोगों में भी काम हो जाता था, 40 लोगों में भी काम होता था, आज 100 लोगों में भी काम हो रहा है, 150 लोगों में भी काम हो रहा है, बट मेरे ख्याल से आज कन्फ्यूजन थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि जितने जितने दिमाग है उतनी सोच है, उतने पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, उतने लोगों को आपको कन्विंस करना है, उतने लोगों को अपना काम भी सही करना है, तो मुझे लगता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। बट देन इफ द हेड, हर डिपार्टमेंट का अगर आपका हेड स्ट्रांग है तो इट्स अ स्मूथ थिंग। ओके, लास्ट क्वेश्चन टू साहिल, मैं वो आपको जानना चाहूँगा, पांड्या स्टोर में हमने देखा था स्क्रीन स्पेस के वजह से यू लेफ्ट दैट शो, यहाँ पर जब आपके सामने स्क्रिप्ट आई तो क्या वो आपके स्क्रिप्ट सिलेक्शन का एक कोर पॉइंट था कि स्क्रीन स्पेस कितना होगा और इन फ्यूचर बतौर लीड फेस क्या वो हमेशा बना रहेगा आपके लिस्ट में सबसे ऊपर? हम हर इंसान अपने करियर में अपने लाइफ में कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, जो मेरे को प्रॉमिस किया गया था वो शो में हुआ नहीं, बट हाँ यहाँ सिर्फ एक ही हीरो है, दो हीरोइन है, तो यहाँ आई डोंट थिंक ऐसा कोई स्ट्रेस है मुझे, बट हाँ बट अब से आई मीन एक एक्सपीरियंस मेरा बुरा हुआ है तो उसके बाद से आई मेड श्योर कि ये चीज़ पहले ही मैं यू नो बात की जाए इस बारे में कि आगे जाके कोई स्क्रीन स्पेस का इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई हैव ऑलवेज डन लीड रोल और मैं वही करना चाहूँगा। दो दो हीरोइन से तो बैक टू बैक रोमांस भी ज्यादा करने का मौका मिलता है। बिल्कुल, ये तो ऐड है। वाह क्या बात है, वर्क्स ऑफ आवर जॉब सर, वर्क्स है हमारी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।